अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। ये हमारी बाइक और आज हम एक जगह पे जा रहे हैं और इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना वो आप देख सकते हैं 5:08 है। सबसे पहले हमने बाइक में डलवाना है पेट्रोल, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सी, ठीक हो? 2000 का। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आज हम जा रहे हैं कोटछुटा, वहाँ पे मंडी है। ईद भी आ रही है बड़ी, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा आपको प्राइस अपडेट करेंगे। वहाँ पे मंडी की जो भी जानवर है उनके बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे प्राइजेस वगैरह। इस वक्त टाइम आप देख सकते हैं 5:17 है और हम फाजलपुर से रवाना हुए हैं इस टाइम और जा रहे हैं कोटछुटा। यहाँ से तकरीबन है कोई 1 घंटे का सफ़र और 70 किलोमीटर है, तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट टूर है बाइक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बाइक न्यू थी तो अभी सिर्फ जो है ना वो 2500 किलोमीटर चली है, तो ज्यादा मैंने ड्राइव नहीं की। मेरा भाई गया था फोर्ट मंडरू, लेकिन मेरा जो है ना वो फर्स्ट टूर है, लॉन्ग टूर अपनी बाइक के ऊपर। अल्लाह खैर करे हम खैर खैरे से वहां पे पहुंच जाएं। हमारे पास दूसरा हेलमेट नहीं है, मैंने लेना था इसके लिए भी। मुजम्मल अभी एक जगह पे हम रुके हैं यहाँ पे, तो रुमाल लेने गया है, कुछ फ़ायदा हो जाएगा हवा क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही है। फ्रेंड्स सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज जो है ना वो ऑलमोस्ट तुलू हो चुका है और टाइम इस वक्त 5:45 है। ये जानवर भी मेरे ख्याल में उसी मंडी पे जा रहे हैं कोटछुटे वाली पे ना, ये भी उधर ही ले जा रहे हैं। मुजम्मल कितने का दे रहा था उधर से? 270 का उधर से दे रहा था, हमने नहीं लिया, फिर मुजम्मल ने ये ले लिया। और ग्लासेस कितने के? 150 के। हाँ अब सही है यार, ग्लासेस लगाओ एनक और ये रुमाल लपेटो, मजे से सफर करेंगे। मंडी चौकी दूर है, 5.5 किलोमीटर। ठीक है मेहरबानी, आ जा। काफी रश है यार मंडी में ना, बहुत रश पे के फंस ना जाएगा मोटरसाइकिल। अच्छा तो फ्रेंड्स मंडी हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोग यहां पे नाश्ता कर रहे हैं और हम भी सुबह सुबह निकल आए थे। यार मुजम्मल ये राइस बड़े मजे के लग रहे हैं यार, इधर से खाए ना। प्रोग्राम में जरा होए का साहब, मतलब नेट पे होसी पे प्रोग्राम। हां ठरा जरा लेग छोड़ो, आधा चराग चा खमीसा फोखा माल में चढ़ाए दो। नहीं मैं बैठा मैनेजर होता साहब। ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बकरे के रेट पूछता हूं इनसे, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि आगे कुर्बानी आने वाली है, तो सब लोग जानवर ले रहे हैं अपने लिए। तो सबसे पहले बकरे देखते हैं, उसके बाद दूसरे जानवर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सी? अपने जानवर हैं तो किस साल दा है? डंडा है इधर। चोखा मंगते पे हो? पनवंजा चोखा मंगते पे हो? पनवंजा जोड़े अच्छा। चोखा वजन हो सी तकरीबन इधर मान हो सी ए बेदा ए जजा केड़ी नस्ल है? मक्खी जी नहीं है जा जा इंदे साल कुनुते ए साल का कि चोखा वजन थी वैसे इंदा वजन थी वैसे तकरीबन मान थी अच्छा गोश गोश क्या मंगते पे हो इंदा 75 मंगते पे हो हे तो सोना सोना जी मोटा ही है अच्छा इने दा क्या मंगदे पे हो सी इंदा क्या रेट ने 25 इंदा 25 ए भी दा 25 मंगदे अच्छा यके दा 75 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सी? ठीक हो फेटो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या नाम है सी तोडा? मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान भाई ए दसो ए केडी नस्ल है? ए सी राजनपुरी गुलाबी नस्ल। राजनपुरी गुलाबी नस्ल है जी हां। यके? हाँ सारे एक नस्ल है। क्या खासियत है गुलाबी नस्ल की? गुलाबी नस्ल की खासियत है अखी गुलाबी होवन ते होंठ गुलाबी होवन ते कान भी गुलाब बिल्कुल गुलाबी की तो डांग डबन हो सी। अच्छा बाकी जरा मिक्सल है उसने वो डांग डबे हो सन। ठीक है बाकी असल जेडे मशहूर है राजनपुर ते वो है? हां मशहूर नस्ल है गुलाबी झाला लड़के होनी है। ठीक है झाला रोनी है जेने बिल्कुल गुलाबी जरी असल कन्ने तक वाइट है और सुंभे तक वाइट है पूरा तक। अच्छा इन्हें उन दाग निशान वगैरह डब्बे नहीं होंगे। ये क्या है इन्हें दा कितने महीने दा? ये तकरीबन 3-3 4-4 महीने। 3-3 4-4 महीने दा? हां इन नस्ल 6-6 महीने दा। ये 3-3 महीने। ये 3-3 महीने दा जी हां। ये 6-6 महीने? ये 6-6 महीने। गुलाबी जी असल चीज है, ये पहचान है गुलाबी की। ठीक है ये चीज है मेन शय में, ये चीज गुलाबी चीज हाथ लाओ चमड़ा उठ जाओ। ठीक है मेन शय होंगे। अच्छा इन्हें सिंग है? हां ये गुलाबी सिंग वाला गुलाबी है, सिंग वाले की पहचान होंगे। ये गुलाबी सिंग चिट्टे वन कान भी चिट्टे सब शय गुलाबी। ठीक है
अच्छा ये दसो इन्हें दा क्या मंगदे पे ओसी इन्हें दा मंगदे पे छोटे दो 70000 इन्हें 40000 ओ 70000 दू हां ए बे दा 40000 दा प्यार मोहब्बत थी वेसी आ प्यार मोहब्बत को घिना लाओ से कर गेसु क्या थी वेसी फाइनल 35 तक कर गेसु 60 तक को कर गेसु अच्छा अच्छा तो फ्रेंड्स ये है रिजवान भाई, अगर आपको कोई भी जानवर लेना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने ले लिया है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्या हाल है सी, ठीक हो? क्या नाम है थोड़ा? मेरा मोहम्मद राशिद। ये केड़ी नस्ल है सी? ए राजनपुरी। राजनपुरी जी जी। गुलाबी जी। क्या मंगदे पे उसी ने दा? मंगदे पे 32 सारे दा जी जी। क्या वजन है इने दा? तकरीबन 20 किलो है इने दा। हाँ जी, ये ले ला, बड़ा प्यारा है तोला। जी जी। ये केड़ी नस्ल है, क्या खास बात है इनकी? ये राजन भोरी, ये अच्छा बकरा है और पटेल है। हाँ पटेल है। अच्छा जी। इनके मुंह को क्या है? ये अबला के। अच्छा ये देखिए, देखना मुझे इसे। हाल है सी, ठीक हो? फिट हो? केड़ी नस्ल है सी? राजनपुरी। ये कुर्बानी दे दादे हैं? हां कुर्बानी दे दादे हैं। दूध है खड़े? क्या मांगदे पियो? 70 दा है एक। 70 दा एक जी। ट्रेन दा रेट 70 है जी। फाइनल क्या थी वैसी? फाइनल 65 थी वैसी। अच्छा तो फ्रेंड्स, बकरे और बकरियों के रेट मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो अभी कोई खास जानवर इधर है नहीं, बकरे वगैरह, तो जब हम नजर आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे। अब हम बढ़ने लगे हैं बड़े जानवर की तरफ, तो आइए उनका रेट देखते हैं।